आज निफ्टी और बैंक निफ्टी पूरी तरह से साइडवेज था, और जिसका रेंज भी मैंने पिछले दिन बताया था किस रेंज में रहेगा, तो हम साइडवेज मानेंगे। आप देखिए बात करते हैं अगले दिन का, जो 12 जुलाई है सोमवार के दिन, अगर बैंक निफ्टी 35,200 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हम इसमें बुलिश होने लगेंगे, और अगर ये इस लेवल को क्रॉस कर जाता है 35,350 को तो हम इसमें पूरी तरह से बुलिश हो जाएंगे। और जो अगला हमारा रेसिस्टेंस लेवल होगा जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करेगा, वो 35,500। वही बात करें नीचे का, तो डाउन साइड जब हम 35,000 के नीचे सस्टेन कर जाते हैं, देखिए नीचे जो है क्लोजिंग होना चाहिए 15 मिनट चार्ट पे या अवर्ली चार्ट पे, तो फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा बेरिश होंगे, और जब हम 34,850 के नीचे निकलेंगे बहुत ही फास्ट मोमेंटम होगा बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी फिर जो अगला सपोर्ट लेगा वो होगा 34,630 का। तो ये इम्पॉर्टेंट लेवल्स है बैंक निफ्टी में, और इसका जो साइडवेज होगा, देखिए मुख्य रूप से हम बात करें तो 35,200 और 34,850 इसके बीच जब तक हैं हम इस रेंज में, जब तक हैं तो साइडवेज हैं, किसी भी रेंज को ब्रेक करते हैं तो बुलिश तब होंगे जब हम 35,350 के ऊपर निकलते हैं, और बियरिश तब होंगे जब हम 34,850 के नीचे निकल जाते हैं, तो हम पूरी तरह से बियरिश यहां पर होंगे।